Hi everyone, this is Shuli from Shuli's Kitchen. Welcome back to my channel. India में हम इसको सेम बोलते हैं या बीन्स. जिनको ये रेसिपी नहीं पता है, मैं उनके लिए आज ये नया रेसिपी लेके आ गई हूँ. मैंने यहाँ पे हल्दी, खसखस जिसे पॉपी सीड्स बोला जाता है, मैंने खसखस ले लिया है, मस्टर्ड सीड्स, सरसों. मेरे पास ब्लैक सरसों है, आपके पास अगर व्हाइट वाला मस्टर्ड सीड्स है आप वो भी यूज कर सकते हैं. सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर. ये सेम की सब्जी बनाने के लिए हमें एक पेस्ट बनाना है. मैं 1/4 कप खसखस ले लिया मैंने, 1 टेबलस्पून सरसों ऐड कर देती हूँ. मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ी देर तक के लिए भिगो के रख देती हूँ. हम सारे सेम को हाथों से ही बहुत आसानी से तोड़ सकते हैं, हमें इसके लिए नाइफ की ज़रूरत नहीं है. सेम को मैंने यहाँ पे तोड़ के रेडी करके रख लिया है. मैंने मास्टर सीड्स और खसखस को यहाँ पे भिगो के रख लिया था. आपको जितना स्पाइसी चाहिए ये वाला मसाले बनाने के लिए, आपके हिसाब से आप चिली डाल सकते हैं. मैंने यहाँ पे 4 ग्रीन चिली डाल देती हूँ, 2 क्लोव मैंने गार्लिक का डाल देती हूँ. अब इन सब को मिला के एक हम स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं. हमने खसखस और सरसों का पेस्ट बना के तैयार करके रख लिया है और सेम को हम फ्राई कर लेते हैं. मैं इस रेसिपी के लिए सरसों का तेल यूज कर रही हूँ, आप चाहे वेजिटेबल ऑयल में भी बना सकते हैं. मैं 1 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाल देती हूँ. सेम फ्राई हो रहा है, इसमें मैं 1 टीस्पून सॉल्ट डाल देती हूँ, 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर. अब ये सेम अच्छे से फ्राई हो गया है, अब हम इसको निकाल लेते हैं और मसाले को फ्राई कर लेते हैं. ऑयल हो गया है गरम, अब इसमें मैं मसाले सारे डाल दिया. मसाले अच्छे से फ्राई हो रहा है. 1/4 टीस्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया. मैं ऑलरेडी इसमें हरी मिर्च डाला है, हल्का सा कलर करने के लिए 1/4 टीस्पून मैं रेड चिली पाउडर डाल दिया. इस मसाले को हमें 2 to 5 मिनट्स और कुक करना है. मसाले अच्छे से फ्राई हो गया है, अब मैं इसमें जो सेम मैंने फ्राई करके रखा था वो इसमें डाल देती हूँ. और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, एकदम थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी देर कुक कर लेते हैं. आप हल्का सा ग्रेवी रखना चाहे तो आप ग्रेवी भी रख सकते हैं, मुझे लेकिन थोड़ा ड्राई करके अच्छा लगता है रोटी के साथ या गरम गरम राइस के साथ खाने के लिए. सब्जी बनके तैयार हो गया है, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ. सेम की सब्जी बनके तैयार हो गया है, आप इसको रोटी पराठा या गरम गरम राइस के साथ भी खा सकते हैं. इफ यू लाइक माई टूडेज रेसिपी, शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, ईट फ्रेश, स्टे हेल्दी.